पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अध्यापकों का शिक्षक बनने का सपना रह गया अधूरा। आचार संहिता के चलते अध्यापकों के संविलियन पर लगाई गई रोक। नए आदेश से समस्त अध्यापक वर्ग हुआ नाराज। आयुष विंग में प्रशिक्षित टेक्नीशियन की दरकार, शासन ने नहीं निभाया वादा। टिकट पाने को लेकर चल रही जोर आजमाइश, 20 अक्टूबर के बाद भाजपा कर सकती है प्रत्याशियों की सूची जारी। प्राथमिक स्कूल ढीमर टोला के शिक्षक कर रहे लापरवाही, नौनिहालों को नहीं मिल पा रही है बेहतर शिक्षा। कीटनाशक का छिड़काव करने गए किसान की विद्युत करंट से हुई मौत। और अज्ञात वाहन की ठोकर से ऑटो चालक की मौत, लालबर्रा सिवनी रोड की घटना। और अब समाचार विस्तार से। अध्यापक से शिक्षक बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के 2,84,000 अध्यापकों के माथे पर आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं और शासन प्रशासन द्वारा आगामी आदेश तक अध्यापकों के संविलियन पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते अध्यापक से शिक्षक बन शिक्षा विभाग में संविलियन होने का अध्यापकों का सपना महज सपना बनकर रह गया है, जिससे समस्त अध्यापक वर्ग काफी नाराज है और समस्त अध्यापक संघ द्वारा सरकार की निंदा की जा रही है। अध्यापकों के संविलियन पर लगी इस रोक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगा के वरिष्ठ अध्यापक निलय कुमार एडे ने बताया कि सरकार ने चुनाव आयोग का बहाना बनाकर संविलियन पर रोक लगाई है। वर्तमान समय में तो रोक लगाना उचित नहीं बनता, तकनीकी रूप से भी इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये जो घोषणा है 21 जनवरी को ही किया हुआ था, 21 जनवरी 2018 का निर्णय था और उसी को प्रक्रिया को प्रारंभ करते करते अभी तक प्रक्रिया चली और ये नियमित उसी प्रक्रिया में आता है। ये अभी आचार संहिता के बाद की घोषणा नहीं है और प्रक्रिया नहीं है, तो पूर्व प्रचलित जो प्रक्रियाएं हैं वो चलते रहती हैं और आचार संहिता के पूर्व में जो कार्य प्रारंभ हो जाते हैं वो कार्य निरंतर चलते रहते हैं, तो ये वर्तमान में भी नियमित प्रक्रिया वो चलते रह सकती है, इसमें निर्वाचन आयोग की कोई तकनीकी जो है दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन उसका बहाना लेकर शासन प्रशासन वरिष्ठ अध्यापकों के या अध्यापक संवर्ग के आदेशों को रोक लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव के पूर्व जो है ये रोक दिया जाए और छानबीन के नाम पर उसको विलम्ब करने के लिए जो है वो की जा रही है, तो ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। और कुछ सहायक अध्यापकों के आदेश कुछ जारी हो गए हैं, कुछ के जारी नहीं हुए हैं। वहीं आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने संविलियन पर रोक लगाए जाने को गलत बताया है। देखिए, हमारे आंदोलन के परिणति के स्वरूप ही हमारा शिक्षा विभाग में जो है संविलियन के आदेश जारी हुए थे, मतलब संविलियन को लेकर 6-7 महीने से हमारी प्रोसेस चल रही है। अभी जो स्कूल शिक्षा विभाग ने इस हमारी प्रक्रिया को स्थगित किया है वो चुनाव आचार संहिता के तहत किया है मध्य प्रदेश शासन ने। इसमें हम ये चाहते हैं कि चूंकि हमारी पहले से ही ये प्रक्रिया चलती आ रही है और चुनाव आचार संहिता के बाद में ये कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो मध्य प्रदेश शासन ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए स्वयं इस पर स्थगन लगाया हुआ है, न कि चुनाव आयोग ने। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि प्रोसेस चल रही थी, प्रोसेस रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि 2,84,000 जो अध्यापक हैं उनके संविलियन का मामला है, तो हम चाहते हैं कि सरकारी स्तर पे प्रयास तेज हो और चुनाव आयोग के समक्ष हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पे हमारी संविलियन की प्रक्रिया चल रही थी वो चालू हो। चूँकि थोड़ा सा अध्यापकों में मध्य प्रदेश में निराशा व्याप्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए मध्य प्रदेश शासन से कहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश वरिष्ठ अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष अरुण भगत ने संविलियन की यह प्रक्रिया शुरू रखने की इच्छा जताई है। ये उतना ठीक नहीं है, चूँकि हम तो 23 साल से इस संघर्ष को लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु 6 महीना हो गया, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर चुका
थे कि इनको हम शिक्षक समागम में शामिल करेंगे, किंतु इनकी भी कुछ मंशा थोड़ी सी उस पर हमको शंका है और प्रश्न चिन्ह भी है। और जब प्रोसेस चालू हो चुकी थी तो चुनाव आयोग ने भी हमारे हिसाब से इसको परमिशन देना चाहिए और हमको शिक्षा संवर्ग में शामिल होना चाहिए। क्यों रोक लगाई, क्या लगता है आपको? अब इसके बारे में तो ज़्यादा हम डिटेल्स नहीं कह सकते, लेकिन जब प्रोसेस शासन की हो गया, कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास हो गया, तो चुनाव आयोग ने भी इस पर सहमति दर्शाना चाहिए था। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष योगेश बिसेन ने शासन प्रशासन की इस मंशा में खोट होने की बात कही है। वास्तविक रूप से चुनाव आयोग की प्रक्रिया से रोक नहीं लगना चाहिए थी, क्योंकि ये शासन प्रशासन की विशेषकर नियमित प्रक्रिया है। एक बार नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद में कैबिनेट ने पास कर दिया, शासन के आदेश जारी हो गए, कुछ आदेश हो गए, कुछ नहीं हुए। अब वो प्रक्रियाधीन है, एक दिन में पूरे आदेश तो नहीं हो सकते। वो फाइल चेक करने की प्रक्रिया, यज्ञपी प्रक्रिया शुरू है, निरंतर शुरू है। जो जानकारी है यहाँ की फाइलें भोपाल तक चेक होते जा रही है और पात्रता का निर्धारण भी होते जा रहा है, लेकिन इस बीच में ये पत्र चुनाव आयोग से कि इसमें रोक लगाई जाए, ये उचित नहीं है। क्योंकि ये नियुक्ति जो है कि प्रक्रिया एक विभाग दूसरे विभाग में सविलियन की प्रक्रिया है और पूर्व से जब से शासन ने ये निर्णय लिया, कैबिनेट ने पास किया, सारी चीज़ें पूरी होने के बाद में इसको रोका जाना और कुछ पक्षों ने इनको आपत्ति ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ राजनीतिक दल भी इस पर आपत्ति लगाए हैं, ये उचित नहीं है और ये प्रक्रिया निरंतर है, ये चलती रहना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष रितेश गेडाम ने सरकार पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। देखिए, अभी तक तो जो जानकारी आ रही है कि उसमें हमको ये आदेश, ऐसा आदेश के बारे में पता लगा है कि अभी मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव हेतु, विधानसभा चुनाव हेतु लागू हो चुकी है और इसी संबंध में जानकारी ये आई है कि आचार संहिता लागू होने के कारण अध्यापकों के नए कैडर के आदेश अभी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि यदि आपको नए कैडर में डालना था, अध्यापक संवर्ग को नए कैडर में यदि शिफ्ट करना था, इसके लिए छोटी सी बात थी, एक सिंगल पेज का आदेश मध्य प्रदेश सरकार निकालती, मध्य प्रदेश शासन उसको अमल में लाता और इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो महीनों से चल रही है वो नहीं होती। मेरे को तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टाल मोटल वाली बात हो रही है और हम लोग अभी इस मामले में जो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण भी लिए हैं कि आप हमारी सेवा शर्तें और जो वित्तीय मामले, सेवा अवधि का मामला है वह स्पष्ट करें मध्यप्रदेश शासन, अब उसके बाद में हम देखें नए कैडर का। शासन के निर्देशों के तहत जिला अस्पताल में काफी वर्ष पूर्व आयुष विंग की स्थापना इस मकसद से की गई थी कि मरीजों को आयुर्वेद का बेहतर इलाज मिल सके। आयुष विंग की सबसे सशक्त कड़ी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, लेकिन इस पद्धति को दिशा देने के शासन स्तर पर कारगर प्रयास नहीं किए जा सके हैं। कुछ महापूर्व प्रभारी मंत्री शरद जैन ने जिले के प्रवास के दौरान जिला अस्पताल के आयुष विंग का निरीक्षण करते हुए जिला अस्पताल प्रबंधक को निर्देशित किया था कि आयुष विंग में सुधारात्मक प्रयास किए जाए, साथ ही पंचकर्म चिकित्सा के लिए स्थायी तौर पर प्रशिक्षित टेक्नीशियन की व्यवस्था की जाए। लेकिन अब तक आयुष विंग में पंचकर्म की कमान अस्थायी टेक्नीशियन संभाल रहे हैं। आयुष विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो औषधालय में औषधि के स्टाफ की कमी भी महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में आयुष विंग के विशेषज्ञ और पंचकर्म के चिकित्सक एस आर साकेत ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर एस आर साकेत, MD, आयुर्वेद विशेषज्ञ, पंचकर्म स्पेशलिस्ट। अच्छा सर, ये देखा जा रहा है कि पंचकर्म को लेकर लोगों में काफ़ी रुझान तो है, लेकिन क्या लगता है कि इस पद्धति को लोग आजमाने में या उसको प्रयोग में लाने में हिचकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिचकते नहीं है। उनको जब हॉस्पिटल में, हमारे OPD में आते हैं, उनको बराबर जो है तो जब गाइड किया जाता है तो वो बराबर जो तो पंचकर्म कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका पंचकर्म होता है। नहीं, ये व्यवस्था एक्चुअली में होने से क्या है, तो व्यवस्था हमारे पास है और पेशेंट को भी अच्छा आराम मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है, लगभग सभी उपलब्ध हैं, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं।
और प्रभारी मंत्री जो आए थे उनके आने के बाद से हम लोग पूरा उनके ऊपर मतलब काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है, लोग अच्छे मतलब उत्साहित हैं और अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। शिक्षित यदि प्रशिक्षित का मतलब यह है कि टेक्नीशियन होने चाहिए, टेक्नीशियन यानी 2 साल का ट्रेनिंग होता है उसका, पंचकर्मा का जो टेक्नीशियन होता है वो 2 साल का ट्रेनिंग करके आता है, वो यदि यहाँ आ जाए तो फिर और अच्छा वो हो जाए। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दलों में टिकट पाने के लिए दावेदारी चल रही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर टिकट पाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा से किसको टिकट मिलेगी इस पर लोगों की निगाहें हैं। वहीं भाजपा के द्वारा आगामी 20 अक्टूबर से प्रत्याशियों की सूची जारी करने का प्रारंभ किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 16 से 20 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में पर्यवेक्षकों का सर्वे होगा। इसी बीच जिले में भी 2 पर्यवेक्षक पहुंचेंगे जो कि जिले की पूरी स्थिति भांप कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेंगे। इस संदर्भ में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, हमारी एक प्रक्रिया है, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने सर्वे करवाया था और सभी को बुला करके श्रेणियां थी उनसे बातचीत करना, फिर संगठन के माध्यम से भी हो रहा है। अब 2 पर्यवेक्षक प्रदेश से आने वाले, अभी नाम नहीं मालूम कि कौन आएगा, 16 तारीख या 17 तारीख, ये 20 तारीख के अंदर वो सब जगह उनको पर्यवेक्षकों को जाना है और वो अपनी रिपोर्ट वहाँ देंगे और इसके अलावा भी सर्वे वगैरह हो गया उसका कलेक्ट करके, इसके बाद मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद कभी भी सूचियाँ जारी होना शुरू। देखिए, अभी देखा कि आपके पास में ऐसे कितने नाम आए जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, 2-2, 4-4 नाम तो सब जगह से दावेदारी तो हर आदमी करता है, लेकिन पार्टी टिकट तो उसी को देगी जिसकी संभावना सर्वे में अत्यधिक होगी, सर्वाधिक। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कटंगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय का निरीक्षण किया और नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को देखा। वहीं कलेक्टर श्री सिंह ने गर्ल्स स्कूल कटंगी की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बनाई गई रंगोली का जायजा लिया और छात्राओं की सराहना की। शिक्षा विभाग के द्वारा नवनिहालों को मुफ्त शिक्षा देने के एवज में शिक्षकों को प्रति माह मोटी रकम दी जाती है ताकि वे छात्रों को बेहतर शिक्षा देकर उनके भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन शिक्षक अपने दायित्वों का कैसे निर्वहन कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। यह नज़ारा जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला ढिमरटोला बूढ़ी का है, जहाँ कहने को 6 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, लेकिन कोई भी शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा है। सूर्य नारायण जफरा। बेटा, आज कितने पीरियड लगे हैं, कितने टीचर लोग आए थे आज सुबह से? सुबह से नहीं हुआ है। तो आप लोग जो खेल रहे हो, कोई टीचर आया था या पढ़ाने के लिए? जी। कौन आया? जी नपुरा मैम। अभी पीरियड खाली है, कब से खाली है बेटा? जी अभी थोड़ी देर पहले। कितना हो गया, 1 घंटा? जी नहीं, जी नहीं। तो जी 2 या 3 मिनट। आपका कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? जी चौथी। आज कितने टीचर आए थे आपको पढ़ाने? जी एक। एक ही आए? कितने पीरियड लगना था अभी? यानी सिर्फ 1 पीरियड लगा आपका? यहाँ तक कि इस स्कूल के प्रधान पाठक महोदय भी कक्षाओं की व्यवस्था को नज़रअंदाज करने में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में क्या कहते हैं स्कूल के प्रधान पाठक SD पगरवाल जी, आइए जानते हैं। SD पगरवाल है। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं शासकीय प्राथमिक शाला ढिमरटोला में पदस्थ हूँ। अच्छा सर, आज आपके स्कूल में कितने टीचर उपस्थित हैं? आज 6 टीचर। अच्छा। 7 टोटल हैं, उसमें से 1 मेडिकल पर है और 6 कार्यरत हैं अभी। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने भी जानकारी ली तो काफ़ी कक्षाओं में जो है क्लासेस नहीं चल रही हैं, और वो मैडम अभी पूछ के गई है पोस्ट ऑफिस।
नहीं, जब हम लोग पहुँचे थे तब भी वहाँ पर कोई टीचर मौजूद नहीं था, हमारे आने के बाद टीचर वहाँ पर पहुँचे। वही क्लास टीचर गई होंगी? दोनों क्लास खाली थी। दोनों क्लास खाली थी दोनों? नहीं मैडम, यहाँ वो राइटिंग वर्क करने आई थी, ये वाला प्रपत्र बनाना है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफाइल वाला, डाटा एंट्री करवाना है उसका, प्रोफाइल बनाने के लिए आई थी यहाँ। तो कहीं ऐसा कोई निर्देश है जिला शिक्षा अधिकारी या BRC से कि जो है टीचिंग ना करवा के अन्य काम करा जाए? नहीं थी, ये तो राइटिंग वर्ड्स जो है, जैसे हमको मैपिंग करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये तो टीचर ही करेगा अपनी अपनी क्लास का। तो क्लास में भी किया जा सकता है? नहीं, कुछ जानकारी ऐसी जैसे परीक्षा फल रजिस्टर लेना है, दाखिल खारिज लेना है, इसमें से कुछ जानकारी अपने को निकालना पड़ता है, जैसे शाला प्रवेश तिथि। अच्छा, कितने पीरियड लगते हैं? टोटल 5 पीरियड लगते हैं। अभी तक कितने लग गए? अभी तक 3 लग गए। इन हालातों को देखते हुए नवनिहालों का भविष्य कैसे संवर पाएगा कहना मुश्किल होगा। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस समापन अवसर पर प्रमुख तौर पर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री जैन, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे सहित तमाम स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस समापन अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा मंच के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें काफी सराहा गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। विज्ञान मेला कार्यक्रम का मतलब जो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं थी, आज संपन्न होने जा रही है। मॉडल प्रतियोगिता के अंतर्गत 6 उपकथानकों में से प्रथम द्वितीय तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत करके उनको आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। अभी परिणाम आना बाकी है। जो कार्यक्रम होगा उसमें परिणाम और उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा। इस प्रकार विज्ञान नाटिका के परिणाम तथा शिक्षक संगोष्ठी के परिणाम भी होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिस पर पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे को हाईकोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश देकर अंतरिम राहत दी गई है। इनके दस्तावेजों को देखकर माननीय हाईकोर्ट ने भी माना कि पक्षकार के द्वारा जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया था वो सही था। यह बात माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता Y.A. कुरैशी ने बालाघाट लौटने पर पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कही। अधिवक्ता श्री कुरैशी ने कहा कि 6 अक्टूबर 2014 को पूर्व विधायक श्री कावरे को अयोग्य घोषित किया गया था। उनके खिलाफ हमने रिट पिटीशन दायर किए थे, उसमें हमें सफलता मिली थी। न्यायाधीश अभ्यंकर साहब ने स्टे किया। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान पक्षकार को अंतरिम राहत मिलना आवश्यक है, इसीलिए अंतिम रिलीफ के लिए उन्हें स्टे दिया गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय में हमने रिट पिटीशन क्रमांक 24338 फाइल किए हैं और उस पिटीशन की सुनवाई हुई 12 तारीख को, और उसमें जो है माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसमें देखा कि जो हमने दस्तावेज P2 लगाया है, वो P2 दस्तावेज जो हमारा यह बात का प्रमाणित करता है कि जो हमने लेखा जो हमारे पक्षकार ने जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया था, वो लेखा जोखा
जो है सही था और उसके हमारे पास पावती थी। और P1 जो था, जो 6/10/2014 को श्री रामकिशोर कावरे जी को जो डिसेबल घोषित किया था धारा 10A के अंतर्गत में, उसके खिलाफ में हमने रिट पिटीशन दायर किए थे और रिट पिटीशन में हमें सफलता मिली है और उसको ने माननीय अभिहंकर साहब ने उसको स्टे किया हुआ है। अब जो है स्टे के आधार पर अब जो हाँ माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह बात का भी संज्ञान लिया कि आपके जो है चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान में आपको एंटरिम रिलीफ मिलना आवश्यक है और इसलिए एंटरिम रिलीफ के लिए ही स्टे दिया गया है। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिवनी रोड पर स्थित ग्राम पाथरशाही में नाले के पास एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक ऑटो चालक घायल हो गया, जिसकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम धर्म वल्द चिरण बाहेश्वर है और ये ग्राम सिहोरा थाना लालबर्रा का निवासी बताया गया है। यह घटना 12 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे की बताई जा रही है। मामले की जांच लालबर्रा पुलिस कर रही है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली शिक्षकों को जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जीवन कौशल की 3 दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन किया गया, जिसमें बालाघाट ब्लॉक के समस्त हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों से 2-2 शिक्षकों को बुलाकर उन्हें जीवन कौशल की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे अपने स्कूल के विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभा को जीवन कौशल के माध्यम से निखार सकें। इसको जन्म दिया जाता है। तो आज हमको जो टॉपिक मिला है इसको मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ADBC मोहन बोपचे ने बताया कि स्कूली बच्चों को जीवन कौशल की यह ट्रेनिंग आगामी शिक्षा सत्र में दी जाएगी, ताकि वे अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार सकें। है ये 3 दिवसीय का ट्रेनिंग था जीवन कौशल पर आधारित। बालाघाट ब्लॉक के समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से 2-2 शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया था और जिसमें जीवन कौशल के बारे में इन लोगों को बताया गया। इस जीवन कौशल की ट्रेनिंग यहाँ से लेकर जाकर बच्चों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जीवन कौशल बच्चों को जीवन कौशल कैसे अपना कौशल का जीवन का कौशल कैसे करना है इस बारे में। बारासिवनी के वार्ड नंबर 2 सम्राट नगर में एक पुराने मकान की स्लैब तोड़ते समय अचानक स्लैब गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अधिक चोट लगने से घायल हरलाल पंचेश्वर नितेश मात्रे को जिला अस्पताल में रिफर कर दिया गया है। बहेरा थाना क्षेत्र में एक कृषक की उसके ही खेत में विद्युत करंट से मौत हो गई। मृतक प्रेमदास बाहेश्वर चीचेवाड़ा का निवासी है, जिसकी लाश उसके खेत से बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर को प्रेमदास कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने अपने खेत गया था। जब वह वापस घर नहीं लौटा तो उसके परिजन खेत पहुंचे, जहां प्रेमदास मृत अवस्था में पड़ा मिला। प्रेमदास की मौत विद्युत तार की चपेट में आने से हुई। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। सबसे पहले
सर आपका परिचय? मैं सनत दुबे, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालवर्रा। सर किस संबंध में रैली निकाली गई आज? ये जो रैली निकाली गई है ये मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत समाज को इस बात के लिए जागरूक करना कि अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निर्भय होकर किसी के प्रलोभन में ना आते हुए अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग करें। और तो सर ये आज ही निकाली गई कि इसके पहले भी निकाली? पहले 28 तारीख को और निकाली गई थी। तो सर आगामी समय में और निकाली जाएंगी रैली जागरूक करने के लिए? अब रैली निकाली जा भी सकती है या फिर और कोई दूसरे माध्यम से भी, मतलब इसको जैसे रंगोली कार्यक्रम है या चित्रांकन प्रतियोगिता है उसके माध्यम से। इसी तरह वाराणसी के टिहलीबाई स्कूल में मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं डीजी डहरवाल प्राचार्य डिलीवरी शासकीय उत्तर मध्य विद्यालय। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे यहाँ मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कराया है। पूरा दिन हमारे कार्यक्रम में लगाया है। क्या क्या होगा? हमारे आज के निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और वेदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये जो आयोजन किया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता जाने वाले चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करना है और जागरूक मतदाता ही मतलब स्वस्थ भारत के लिए आवश्यक है। अनेक लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती कहाँ से होगी जब मतदाता जागरूक होता है? आज रैली का भी आयोजन किया हुआ है हमने और रैली का आयोजन 4 बजे से 5 बजे तक हुआ। क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश है कि हमारे जो आने वाले चुनाव में कोई भी चुनाव आए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव। आदि शक्ति माँ जगदम्बे की उपासना का महापर्व नवरात्र धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रविवार को पंचमी तिथि पर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। जयस्तंभ चौक स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 351 दियों से माता रानी की विशेष आरती की जाएगी। वहीं रविवार को नगर के अम्बेडकर चौक के पास बंगाली दुर्गा की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि बंगाली दुर्गा की मनोहारी प्रतिमा नवरात्र का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसे देखने के लिए नगर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। वहीं शनिवार को माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की गई। लालबर्रा में भी नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लालबर्रा से सटे ग्राम पनबेहरी में माँ शीतला माता मंदिर समिति के द्वारा यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष कुल 55 कलश स्थापित किए गए हैं। वहीं 14 अक्टूबर को 1551 फीट चुनरी यात्रा शीतला माता मंदिर से निकाली जाएगी। इस तरह लालबर्रा स्थित गंज प्रांगण में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश से आए आचार्यों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना व आरती करवाई जा रही है। साथ ही महाप्रसाद का वितरण समितियों के द्वारा रोजाना करवाया जा रहा है। नवरात्र के पावन अवसर पर भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में मां भगवती की प्रतिमा विराजित कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं इस अवसर पर रोजाना विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
12 अक्टूबर को जबलपुर के हुकुम एंटरटेनमेंट ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें निमिषा देव एवं जिसान सिद्दीकी ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि दुर्गोत्सव समिति मौल भरवेली बालाघाट खान के तत्वाधान में किया जा रहा है। वारा सिवनी में भी नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत वारा के कालीपाठ मंदिर में 321 ज्योति कलश प्रज्वलित कर जवारे बोकर नवरात्र का आगाज किया गया। इस प्राचीन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आपका नाम? दीनदयाल मिश्रा। क्या है आपका? यहाँ मैं पुजारी हूँ। कौन सा मंदिर है? ये महाकाली जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसमें नवरात्रि दोनों पर्व मनाई जाती है, कुवार चैत नवरात्र दोनों पर्व रहते हैं, जिसमें अखंड ज्योति कलश रखाए जाते हैं, जिसमें भक्त लोगों के मनोकामना कलश रखे जाते हैं। कैसे ये शारदीय नवरात्र पे कितने कलश प्रज्वलित? इसमें 305 तेल के हैं और घी के हैं 25 कलश। इसके बाद में सार्वजनिक कलश भी रखे गए हैं जो माता मंदिर के नाम से हैं। ये सभी भक्तों के मानता वाले कलश हैं, जो अभी तेल के और घी के। और उसके बाद में सभी भक्त लोग माता रानी की इच्छा से सभी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कलश रखे जाते हैं। माता रानी उनकी सभी भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करती। लालबर्रा में सरस्वती महोत्सव की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। यह पर्व 14 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इस महोत्सव में माँ सरस्वती की मनमोहक प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन शरद पूर्णिमा पर्व तक किया जाता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अध्यापकों का शिक्षक बनने का सपना रह गया अधूरा, आचार संहिता के चलते अध्यापकों के संविलियन पर लगाई गई रोक, नए आदेश से समस्त अध्यापक वर्ग हुआ नाराज। आयुष विंग में प्रशिक्षित टेक्नीशियन की दरकार, शासन ने नहीं निभाया वादा। टिकट पाने को लेकर चल रही जोर आजमाइश, 20 अक्टूबर के बाद भाजपा कर सकती है प्रत्याशियों की सूची जारी। प्राथमिक स्कूल ढीमर टोला के शिक्षक कर रहे लापरवाही, नौनिहालों को नहीं मिल पा रही है बेहतर शिक्षा। कीटनाशक का छिड़काव करने गए किसान की विद्युत करंट से हुई मौत।
और अज्ञात वाहन की ठोकर से ऑटो चालक की मौत, लाल बर्रा सिवनी रोड की घटना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।